सो फाइनली गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और साथ समझाऊंगा कि आप इन तमाम प्रोग्राम्स में अपने घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके कार के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर चले जाएँ, वहाँ पर जाने के बाद आप इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं टॉप न्यूज़ प्रो। जैसे आप फर्स्ट लिंक को पर टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक को पर टाइप करने के साथ फौरी तौर पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और यहां पर आपको बेनजीर का एक लिंक दिया गया है। आपने इस लिंक को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से इसको क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करना है। और करने के बाद यहां पर आने के बाद आपने यहां से डाउनलोड का बटन को ऊपर आने के बाद यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो बआसानी तरीकेकार के जरिए कर सकते हैं। यहां पर आप यहां से इस एप्लीकेशन को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह के तीन ऑप्शन आ जाएंगे। आपने क्या करना है, तीनों में अप्लाई कर लेना है। आपने यहाँ पर आना है, आने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद अगर आप असास राशन रायत प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने टाइप करना है राशन रायत घराना रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे फौरी तौर पर आपके रजिस्ट्रेशन सेंटर का जो कि यूरल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 8171 का जो कोड है उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे उसका जो तरीकेकार है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको वो रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार है वो मैं आपके साथ वाजे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दोस्त इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते होते हैं किस तरीके कार के जरिए मैसेज सेंड करना है। आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपने यहां पर आपने 8171 टाइप करना है। 8171 टाइप कर दिया, नेक्स्ट को पर टाइप करना है। आने के बाद आगे आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो भी कौमी शिनाख्ती कार्ड नंबर है यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जल्दी जल्दी से आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कौमी शिनाख्ती का नंबर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर सेंड को पर टाइप करूँगा कुछ ही देर के बाद मुझे यहाँ से एक मैसेज आ जाएगा कि आपको बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आयल कर दे या नायल कर दे, आपको पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। और जिन खानदानों को नायल कर दिया जाता है वो अपने घर के किसी भी गरीबी अदायगी मरकज या फिर BISP के रजिस्ट्रेशन सेंटर से जाकर अपना इमदाद लिए रुजू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो खानदान आ जाते हैं जो खानदान हुकूमत की जानिब से आटा हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, 8123 का कोड है, आपने 8123 पर अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो सेंड करना है। सेंड किस तरह करना है, यहां पर आपने फॉर एग्जांपल इस तरह रैंडम सा भी मैं शनाख्ती कार्ड लिख रहा हूं, लेकिन बाद आपने यहां पर सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद फौरी तौर पर आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हुई है, नहीं हुई, आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे पैसे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके शनाख्ती कार्ड के जरिए इसी कोड के जरिए फराम की जाएंगी। अगर नायल कर दिया जाता है तो आप अपने किसी भी गरीबी अदायगी मरकज या फिर रजिस्ट्रेशन सेंटर से जाकर रजू करके वहां से जाकर के अपनी जो रजिस्ट्रेशन इजिली करवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हुकूमत की जानिब से जो ईदी प्रोग्राम का आगाज किया गया है यानी कि ईद उल अजहा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के जरिए तमाम गरीब खानदानों को इमदादें मिलेंगी, लेकिन अभी तक इमदादें मिलना स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि 15 दिन पहले तमाम गरीब खानदानों की जो इमदादें वो स्टार्ट थे। मिलते नेक्स्ट वीडियो।